अच्छा, आप बड़े मजे की आपने बात की है जी। चाइना में आपने एजुकेशन हासिल की है, वहाँ पे इंडियन थे, आपने नाम भी लिया। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम था जी? रोहत है, डॉक्टर रोहत है, डॉक्टर बिजित है, डॉक्टर अकबर है। डॉक्टर अकबर है। इनकी तरफ आते हैं, वो क्या कहते थे इंडिया में मुसलमानों की क्या कंडीशन? देखिए, आप मजेदार सवाल तो ये है। अब हमें वो कहते हैं कि यार देखो, इधर तो आप बड़ी 2012 में या उससे पहले बड़ी तड़कियां मारते थे, हमारा मैच होता था, जब कोई बात होती थी पाकिस्तान के नारे घूमते थे, अब क्या हाल है? मुझे कल ही उन्होंने लिंक भेजा और उन्होंने वो शेयर किया कि यार ये देखिए। हमें फिर क्या जवाब दिया? हमने कहा इकोनॉमी वाइज और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। इतने, नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। तो इंडिया की तरक्की की भी छुप जाते हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है, एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है? एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा? आप ये रिपोर्ट को नहीं मानते? मेरी नज़र में जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, वो उनके अपने एजेंडाज हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस खत्ते में, और वो कर भी रहे हैं, हमने देखा है इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक और चीज मेरी भी सुन ले, हमने नारा लगाया, एक नारा मैं भी लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मेरा इस नारे से कोई फायदा हुआ है जब तक हम टेक्निकली वर्क की तरफ नहीं आएंगे? तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। IMF आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी प्रेडिक्ट किया गया है, और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी डाउनफॉल का सामना कर रही है, इस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि एक साइड पे बिल्कुल इंडिया है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान है जो कि तेजी से डाउन की तरफ जा रहा है, इकॉनमी डिफॉल्ट की तरफ है, और उसी टाइम पे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया कैसे बना? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी हैदर अली। आपका नाम? शहबाज अहमद। क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। टॉपिक मेरा ये है, IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा है, और इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो उनसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। क्या वजह है कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और हम डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे हैं? जी मेहरबानी, आप पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका आपने इतने हसास मौजू पे जो है वो लोगों के नज़रियात और उनके जो दिल के अंदर छुपी बातें हैं उनको चुना, आपके हम मशहूर हैं। ये इतना दर्दनाक और इतना शर्मिंदगी वाला लफ्ज़ जो जिसने बताया आपने कि इंडिया और पाकिस्तान, हमेशा से आप क्रिकेट में ले लें, आप किसी मैदान में ले लें, हमने उनको टक्कर देने की हमेशा कोशिश की है। ठीक है, नहीं क्रिकेट के अलावा किस मैदान में टक्कर देने की कोशिश? देखिए ना, आप ले लें जिसमें फॉर एग्जांपल आप हॉकी का ले लें, हमारा बड़ा नाम रहा है। स्पोर्ट्स को छोड़ के टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, हमने सिर्फ टक्कर स्पोर्ट्स में ही लोगों को दी है, किसी और चीज में नहीं दी हमने। यही बात, और देने में अभी हमें कम अज कम कुछ 100 साल चाहिए। ठीक है, आपका इसमें ग्रामी सुहेब चौधरी। सुहेब भाई, आप देखें इतना अच्छा आपने इस चीज को चुना है, टक्कर हमें हर चीज में इंडिया को देनी चाहिए। ठीक है, हम नारों में तो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको अमली जामा भी बनाएं। अब ये रिपोर्ट जितनी IMF की दर्दनाक है और कितना शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान और इंडिया, जिनको हमेशा पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है। अच्छा। ठीक है, और इसको पाक चीज हमेशा जो है वो सर के ऊपर होती है, बाकी सब सर से नीचे होता है। ठीक है, और लेकिन हमने इसको इतना कुरेदा, इतना इसको जिस तरह कहते हैं ना, इसको नोचा है कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। तो चीज़ पाक नहीं रही इंडिया के। हम लोग जब पढ़ते रहे, हमारे साथ इंडियन दोस्त थे, किधर मैं बाहर पढ़ता रहा हूँ चाइना में, मेरे साथ दोस्त थे इंडिया के, हमारा पूरा एक बैच था,
हमारा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच या कोई चीज़ बात होती थी ना तो हर एक जोश इसमें आ जाता था, लेकिन अब आज हमें इंडिया वालों को उसी दोस्तों के सामने शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ये आपके सियासतदान है, ये आपका मुल्क है, लिंक्स आपको भेजते होंगे, हमें शेयर करते हैं दोस्त हमारे, अमित शाह है, अभिजीत है और रोहित है, हमारे वो दोस्त हैं, अकबर है वो मुसलमान था वहाँ पे, तो उनके जब मैसेज आते हैं ना हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, वही जब 2012-13 में हम उनको उंगलियां दिखाते थे, आज वो कहते हैं देखिए आपकी ये रिपोर्ट है। आज कल मैं आपका इंडिया का जो टीवी उसका चैनल देख रहा था, वो अपनी बात कर ही नहीं रहे थे और वो बस्करे उड़ा रहे थे, देखिए पाकिस्तान में आटा नहीं है, देखिए पाकिस्तान में गैस नहीं है। खुदा रहा कायदे आजम की जो जो कोशिश थी ना, हर एक को इसमें आवाम है, इसमें हुकूमत है, इसमें मीडिया का रोल है और इसमें सियासतदानों का, देखे ना मुल्क सियासतदान चला रहे हैं। बेहतरी की तरफ जाता है कोई इस तरह के टॉपिक पे बात करता है तो ये कह दिया जाता है कि आप तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। हाँ। ये चीज़ अच्छा, आप बड़े मजे की आपने बात की है जी, चाइना में आपने एजुकेशन हासिल की है, वहाँ पे इंडियन थे, आपने नाम भी लिया, क्या नाम था जी? रोहित है, डॉक्टर रोहित है, डॉक्टर बिजित है, डॉक्टर अकबर है, डॉक्टर अकबर है। इनकी तरफ आते हैं, वो क्या कहते थे इंडिया में मुसलमानों की क्या कंडीशन? देखिए आप मजेदार सवाल तो ये है, अब हमें वो कहते हैं कि यार देखो इधर तो आप बड़े 2012-10-12 में या उससे पहले बड़े तड़के मारते थे, हमारा मैच होता था जब कोई बात होती थी पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे घूमते थे, अब क्या हाल है? मुझे कल ही उन्होंने लिंक भेजा और उन्होंने वो शेयर किया कि यार ये देखिए, हमें फिर क्या जवाब दिया? हमने कहा कि ये चीज इस पे हम खुद शर्मिंदा है, शर्मिंदा है, बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत भी है। मेरा सवाल आप समझे नहीं, जो डॉक्टर अकबर हैं कोई बात तो होती होगी कि वहाँ पे मुसलमानों की क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा जी देखिए ऐसा मुल्क है जिसके पास गैस ही नहीं है, जिसमें पास बिजली ही नहीं है, लास्ट जो पाकिस्तान में हुआ है जो बिजली का क्रैकडाउन हुआ पूरा 24 घंटे रहा है, इस पे उन्होंने मुझे तंज किया कि जिस मुल्क में गैस नहीं है, बिजली नहीं है और उसमें वो है आटा नहीं है, लोग आटे के लिए रो रहे हैं, तो यार आप जो बातें करते थे वो कहाँ गई? कहाँ गई? मेरी सवाल फिर नहीं आप समझे कि डॉक्टर अकबर से कभी गुफ्तगू हुई कि इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में, आपने कभी उनसे पूछा? जी जी, वो जो है अपनी देखें बात होती है जो आपको टीवी पे नजर आ जाए, उनके मुसलमानों के साथ जो हो रहा है या जो इंडिया, वो इंडिया की तरक्की की भी छुप जाते हैं। अच्छा, आज इंडिया कितना आगे निकल गया है, एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है? एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा? तो उनके जो गलत काम भी है ना, अब मोदी कितना गलत काम कर रहा है देखे ना, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, उनके कितने सारे गलत काम छुप जाते हैं। नहीं, कश्मीर में आपने बोला डेवलपमेंट भी बड़ी हो रही है, कश्मीर में क्या, हमने तो आपने बात की पाकिस्तान इंडिया की, कश्मीर तो हमारा अंदर में तनाजा तनाजा है ना है। बात इंडिया की हो रही है, वो भी इंडिया का हम हिस्सा नहीं मानते, लेकिन वो तो मानते हैं, हम भी बाकी कश्मीर हमारा है, लेकिन लेकिन जो इंडिया की तरक्की हो रही है उसमें हमें शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी होती है, ठीक है, खुशी होनी चाहिए कि हमारा नेबर है, शर्मिंदगी खुशी नेबर तब था, अब जैसे जिस तरह यूरोप है ना, सारे नेबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक करेंसी होती है, हम नेबर कहाँ से हुए, हम नेबर हो कि एक दूसरे के शरीक हैं, दुश्मन टाइप ही शरीक जलसी रखते हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का हाल किया ना, अब मैं बताते खुद एक आवाम बेचारी क्या करे, जिनके हाथों में पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ आवाम क्या करे, आवाम अपने राइट के लिए बोले, आवाम गलत और सही में फर्क जाने, और ये हमें कभी कोई नारा लगा दिया जाता है, कभी हमें ये कह दिया जाता है कि हम नंबर वन ये हैं तो नंबर वन वो है, हमें टेक्निकली चीज़ों को देखना है कि हमें एजुकेशन के, सर मेरी बात सुने, आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं ना जी, चाहे वो जिस मर्जी ग्रुप के हों, जिस मर्जी जगह के हों, नुमाइंदों ने आवाम को चलाना है। मेरे और आपके जब फादर, अल्लाह पाक उनको जन्म दे, मेरे हयात नहीं है, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट थी मैं घर चलाने में, ठीक है, हम उनको फॉलो करते थे, ठीक है, सेम आप भी होगा, अब हमारे हुक्मरान जो हैं वो हमें सही चलाएंगे तो हम चलेंगे, और हमारा फर्ज बनता है कि हम हाँ को हाँ कहें और ना को ना कहें, ना कहें, जबरदस्त, यही अच्छी बात है, अवेयरनेस की निशानी ये है कि जब कोई गलत चीज है उसे गलत बोला जाए और उसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी अगर हम गलत को गलत बोलेंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान की बेहतरी हो। क्या हो रहा है, वो बंदा मर गया आटा ढूंढते, बंदा मर गया, ऐसे ही है, इसमें किसी जमात को मैं नहीं कह सकता यार, इंसानियत तो है ना, इंसानियत इससे नजर नहीं, और सबसे पहले मेरे साथ ना चाइनीज दोस्त हैं, चाइनीज का मेरे साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है, उनके साथ मेरी पेट्रोल, हम चाइना में रहे, उनको उन्होंने मेरे साथ सीटिंग, उन्होंने कहा यार तुम लोग पाकिस्तानी क्या कौम हो, हमेशा ना पहले कोई जमात ना पहले कोई दूसरी बात, पहले पहले पाकिस्तान,
जबरदस्त मैं पाकिस्तान हूँ, फिर उसके बाद पीटीआई है, उसके बाद भी है, उसके बाद भी पी है, पहले पाकिस्तान। पहले हम चाइना वालों को सिखाते हैं बच्चों को, पहले चाइना फिर ये बातें। और हमारा क्या है, दस बंदे पीटीआई के मरे होते हैं, दस बंदे वो बिरयानी के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उधर लोग फंसे होते हैं, दस लोग पीटीआई के बने होते हैं। यार पहले पाकिस्तान करो, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप यहाँ खड़े इंटरव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान है तो मैं आजाद बोल रहा हूँ। कश्मीर में आप ऐसे जाके देखें सड़कों के ऊपर गोली मार देंगे, फलस्तीन में देखें, आजादी बड़ी कीमत है, आजादी हमारी नेमत है, और इसके लिए आजादी को हमें पहचानना होगा, पहले पाकिस्तान। मुझे ये बताएं लास्ट में कि उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जिनकी वजह से वो ग्रो कर गए, और हमने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से हम नीचे आ गए। मतलब आपके साथ तो दोस्त रहे हैं, आपको बताते होंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये रूल है, ये सर उनका जो है फोकस जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिससे मुल्क की बेहतरी होती है, हमारे फोकस ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिनमें जमातों की बेहतरी होती है, सियासतदानों की बेहतरी होती है, जिसमें मुल्क नहीं आता। मुल्क तो बाद की बात है, अगर मेरा मुल्क आता होता तो आटे वाला मरता ना, ऐसे ही है। अगर मेरा मुल्क आता तो 24 घंटे लाइट ना जाती, मैं किसी 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 भी हुकूमत को दोष नहीं देता, लेकिन पहचानो पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो बिल्कुल ना आप है ना मैं भी कहीं बैठा किसी को। यही बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें, कौन सा सिस्टम उन्होंने, हर सिस्टम भी बेहतर करें, गिलने कोई सिस्टम बेहतर है, ठीक है, पाकिस्तान ये चीज है। अच्छा लगा इनसे बात करके, थोड़े से इमोशनल हो गए, लेकिन काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर आए, पाकिस्तान सबसे पहले होगा तो ही पाकिस्तान बेहतर। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक और चीज मेरी भी सुन ले, हमने नारा लगाया, एक नारा मैं भी लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन मेरा इस नारे से कोई फायदा हुआ है जब तक हम टेक्निकली वर्क की तरफ नहीं आएंगे? सर ये नारा इतनी बड़ी ताकत है, अगर ये हर बंदा लगा देगा ना तो यही वो चाहते हैं, पाकिस्तान आज को ये ना कहे, ये हमने इधर नारा लगाया ना, मैंने भी लगाया, आपने सर जी, सर जी क्या फायदा पाकिस्तान? ओ बाबा जी पहले इकट्ठे तो हो जाओ, कट्ठे तो हो जाओ, तुम नारा लाते हो पीटीआई का, वो लाते हो बेनजीर का, मैं लाना ओ जी मेरी माता से अपनी या मैं लाना पीटीआई का, वो पहले कट्ठे तो पहले पाकिस्तानी हो जाओ, सब नारा लाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरी दुनिया उठे, ठीक है। ये नारा एडी बड़ी ताकत है जिनके अंदर पैगाम की है, जिसके अंदर पैगाम ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा से बड़ी ताकत कोई नहीं है, ठीक है। ये नारा जब सब लगाना शुरू हो जाएंगे ना तो लोगों के अंदर जो पाकिस्तान का मतलब है वाज़ी हो जाएगा, पहले ये नारा लगवाएं सबसे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। नारा तो मैंने पहले भी लगवाया, जिन कौमों ने नारे लगाए हैं ना, हमारे पास मिसाले हैं चाइना की, हो जिंता हो मो जिंता हो, जिन्होंने अपने पेड़ पे पत्थर बांध के, जिन्होंने सफर किए, ठीक है जी, जून लाई उन्होंने सफर किए, वो पहले नारे लगा के, उन्होंने लॉन्ग मार्च की नारे लगा के, आज लॉन्ग मार्च होती है ये पार्टी की वो पार्टी की, नहीं लॉन्ग मार्च हो पाकिस्तान की, फिर कौन में बदलेंगे, लॉन्ग मार्च हो एजुकेशन बेहतर, एजुकेशन की लॉन्ग मार्च हो हेल्थ की, जबरदस्त। और उसके बाद जब ये सारी लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएंगी, उसमें लॉन्ग मार्च ये ना हो कि जी हमें इस ग्रुप की है या उस ग्रुप की है, लॉन्ग मार्च हो सब निकलो सारे, लॉन्ग मार्च है हेल्थ की, लॉन्ग मार्च है एजुकेशन की, लॉन्ग मार्च है हमारी तरक्की इकॉनमी की, जबरदस्त। देखें जी ये फायदा होता है जब आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में भी जाते हैं, वहां से सीखते हैं, इन्होंने इंडिया वालों से सीखा, चाइना से सीखा, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें, अपनी सोच को, अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाएं पाकिस्तान से। चाइनीज एक वर्ब है, वो प्रोवर्ब है, उसका उनका कहावत है जो है ना, ती सी चुंगो ती आर सी रेमिंग ती सान सी चिता तोंगसी, ठीक है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले चाइना, उसके बाद बाकी जमातें, और उसके बाद जो है तीसरी बात चीज आएगी। तो अगर मुल्क रहेगा, अगर पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात। मुझे खुशी है कि आपने अच्छा पैगाम लोगों को कोशिश की, हमारी तो कोशिश ये होती है कि ऐसे टॉपिक्स पे लोगों को अवेयरनेस के लिए, देखें अब ये आपके बहाने कितने लोगों ने सुना और उन्हें पता चला कि पहले बलोची नहीं, पहले सिंधी नहीं, पहले पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान। जब ये नारा लग गया ना कि मैं पाकिस्तान हूँ, पहले पाकिस्तान है, फिर जनाब जमाते भी उसमें बाद में आएंगी, उसके बाद मेरे बिरयानी भी बाद में आएगी, उसके बाद मेरे कोरमे भी बाद में आएंगे। सबको कहेंगे कि अब हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, हम बदल लेंगे इंशाल्लाह, हम तैयार हैं बदलने को, लेकिन लीडर चाहिए, लेकिन लीडर। बड़ा अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद यहाँ पे मेरे साथ ये अंकल मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात कर, जी जी जी, एक सब मेरी खुशी के लिए प्लीज देखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान। ठीक है अदनान साहब, एडवोकेट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा टॉपिक ये है कि IMF आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया की इकॉनमी है इस टाइम पे प्रेडिक्ट किया गया है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर देखें आप, सिचुएशन हमारे सामने है, बड़े बड़े इदारे ये कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। क्या कहना चाहेंगे? एक ही खिता है एशिया में इंडिया, एशिया में पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुका है या बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, वजह क्या है? इसमें सर दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें सिनेरियो और होगा, और अगर हम अपने इस खित्ते की पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप इकॉनमी के जो है कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। मेरी तो नज़र आप ये रिपोर्ट को नहीं मानते? मेरी नज़र में जो IMF की रिपोर्ट्स हैं दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, वो उनके अपने एजेंडाज हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस खित्ते में, और वो कर भी रहे हैं, हमने देखा है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन आप नहीं, इसके अंदर ये बात समझें कि जो कौमें हैं, जो कौमें हैं ना सर, वो बनती हैं अपने नज़रियात पे, ठीक है, अपनी खुद मुख्तारी पे, ठीक है। जब हमारे डिसीजन, हमारे मामलात अपने ही हमारे इख्तियार में नहीं है और हम IMF के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं कि जनाब वो हमें रेस्क्यू करें, वो हमें चलाएं, इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, पाकिस्तान को, जहाँ पे हम लोग बस रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर, हर तरह की नेमतें हैं। सवाल ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे या क्या वजह? दूसरे नंबर पर आपने बोला कि सो कॉल्ड रिपोर्ट, यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? मैं इस रिपोर्ट को, या तो मैं कैटेगोरी के लिए अपने मेरे व्यूज़ हैं, व्यू आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ओपिनियन, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि IMF का जो मामला है ना पाकिस्तान के साथ पर्टिकुलरली, देखें ना, नहीं दे नोज वेरी क्लैरिटी के साथ वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि जो इकोनॉमी जहाँ ग्रोइंग हो रही है, ऐसे खिते जिनको उन्होंने पॉइंटेशन करनी है, ठीक है, ये पाकिस्तान वही मुल्क है ना जहाँ पर एशियन टाइगर बनने की बातें हो रही थी, और आज हम डिफॉल्ट की खुदा ना खासा बातें कर रहे हैं। ये जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था, आज डिफॉल्ट के करीब है, इसके पीछे IMF है, हमारा कोई कसूर नहीं? हमारा कसूर ये है कि हम लोग अंधे और देखने वाले में फ़र्क नहीं महसूस कर रहे ना, पिछले जितनी सियासत को मैं समझता हूँ, सियासी मामलात को हमारे लोगों ने, आवाम ने, मतलब कि सियासी तौर पर बलूगत अभी तक अटेन नहीं की, जिसे कहते हैं। ये इंडिया की जो इकॉनमी की रिपोर्ट आई है, क्या वजह आप क्या समझते हैं? पहले नंबर पे ये बताएं, वो ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट इकॉनमी बन रही है या नहीं, इसके ऊपर क्या कहना? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात इकॉनमी वाइज और हमारा GDP रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। इतने नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। और इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला कि वहाँ पे जो रेशो थी महंगाई की, वो जब मेरे दौर में थी 7% थी, अब वो 6% हो गई है, और यहाँ पे वो 35%, यानी गुर्बत वहाँ पे कम हो गई है, महंगाई कम हो गई। मैं अर्ज़ करूँ कि जो आपका टॉपिक है ना सर, इसके दो सिनेरियो, एक हमारा ग्राउंड रियलिटीज बेस है, ठीक है, और एक है एक जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। जो थ्रेटिकल चीज़ें हैं ना, मैं उनको कन्फ्रंट जितना भी करता जाऊं, उनमें कोई वो सदाकत नहीं होगी, ना उनमें कोई वो रियलिटी बेस्ड बातें होंगी। जहां तक ये है ना कि हम प्रैक्टिकली जो चीज़ों को देख रहे हैं, ये इस मुल्क ने मतलब कि बहुत गेन किया है, जितने इस पे मिसाइल आए हैं। तो फिर ये पाकिस्तान के लोग ही क्यों कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आपने बोला है कि हम इंडिया से हर लिहाज में बेहतर हैं, मतलब GDP बेहतर है, इसके अलावा महंगाई यहाँ पे कम है, गुर्बत यहाँ पे कम है, तो फिर हम क्यों, हमें ये आए दिन सुनने में मिल रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? ये तो प्रैक्टिकली मिल रहा है सुनने में, कि ये भी हमें पेपर वर्क में मिल रहा है? नहीं, ये जो प्रैक्टिकली है, अब मैं रियलिटी बेस्ड बातें करूँ ना, तो वो आप पता नहीं उससे इख्तलाफ करेंगे या नहीं, उनसे मैं तो अच्छा लगेगा रियलिटी बेस्ड लॉजिकल बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। मेरा जो नुक्ता नज़र है ना सर, वो ये है कि पाकिस्तान एज ए सॉवरन कंट्री
अपने मामलात को ख़ुद मैनेज करने से कासिर है एज ए सॉवरन कंट्री। इसके मामलात जो थे वो मैं समझता हूँ कि आज से कोई 8-9 माह पहले पीडीएम की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले ज्यादा खतरे में थे, अब सिक्योर हैं। अब सिक्योर हैं, आप क्या ख्याल है? अब सिक्योर हैं। अच्छा, लास्ट में बस ये मैं आपको बता दूं, आपने बोला कि मतलब पेपर वर्क को आप उस तरीके से नहीं मानते, लेकिन आप वकील हैं। मैं जो थोड़ा सा, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे मुताबिक पेपर वर्क को दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो ना हो पेपर वर्क को माना, क्या आप इसे भी एग्री करते हैं कि नहीं? आपने ये पेपर फिर क्यों पकड़े हैं, पेपर वर्क को नहीं माना जाता? मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर वर्क पे बिलीव करते हैं तो ये साथ ही लाइब्रेरी, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ें कि जब से ये दो नेशंस डिवाइड की गई फुली, ठीक है, इससे पहले सब कॉन्टिनेंट की अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये मतलब के मुल्क जो थे ये पीसफुली रह रहे थे, यहाँ पर कोई ऐसा वो मसला नहीं था। बहरहाल वो एक लंबी, मैं तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे जुल्म वगैरह, ये दो कौमी नजरिया हमें अंग्रेज ने दिया ना सर। अब फिर आप माइक पकड़ा हुआ है, बातें फिर वो उस तरह की होंगी, नहीं कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, देखने वालों को पता चलेगा। अब मुझे बहुत कम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल लोग, ऐसे जो इतना ज़्यादा वो अपने अपना अपना नज़रिया होता है। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि दो कौमी नज़रिए की हम बात कर रहे हैं, हमें जो पढ़ाया गया वो गलत है। अच्छा। हम कोई यहाँ पर मेरे नज़दीक जो है ना कोई दो कौमी नज़रिए का मामला नहीं था, कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं, वो एक लंबी हिस्ट्री है ना। मैं समझूंगा कि वो हमारे इस टॉपिक से हटके हो जाएगा, लेकिन सिमिलरली वो उसको इस तरह अटैच करती है कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आपका सवाल था शुरू में कि जी अगर वहाँ पर हालात अच्छे हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं, तो मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ पर एक्सटर्नली उनकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनमें एजर्शंस नहीं होती, पॉलिटिकली मुदाखलत नहीं है बाहर से। आज तक वहाँ मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा, आज तक वहाँ पर रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा है? वो भी इसी खिते के लोग हैं ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बार बार जो एक की गई है इंटरफेरेंसेस, मार्शल लॉ वगैरह कह लें या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट कह लें, वो उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। माइट इज़ राइट वाली जो बात थी, अब एक डिक्टेटर आता है वो सारे नज़रियात को साफ कर देता है, सारी पॉलिटिकल वर्कर्स की मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है, ठीक है ना? ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि जो जमहूरियत के जो पौधे हैं उसको नुकसान, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आप मेरा भाई देखिएगा कि इस मुल्क में मार्शल लॉ ये बेनज़ीर नवाज शरीफ से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। पाकिस्तान का फर्स्ट आर्मी चीफ जो था जनरल अयूब था, ठीक है, एंड ही इम्पोज द मार्शल लॉ, ठीक है। इस मुल्क में तो जमहूरियत के पौधे को उगने ही नहीं दिया गया, और आज आप और मैं जो है वो हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे हालात क्यों ख़राब हैं। भाई हालात जो इस वक्त सिनेरियो देखने में आपको मिल रहा है ना, वो उन मुल्कों में क्यों असरअंदाज नहीं, इसलिए कि उनके इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कदावर हैं, वो मजबूत हैं, इसलिए ये हालात उनके ऊपर असर नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले बीमार हैं, पहले ही बीमार हैं, बीमारों के ऊपर जब बीमारी आ जाती है खुदा ना खासा तो वो उसको ज्यादा इफेक्ट करती है अदर देन दी एक हेल्दी पर्सन हो। चलें दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान जल्द तंदुरुस्ती की तरफ आए। अगर बीमार है कैसे तंदुरुस्ती की तरफ आ सकता है, बेहतरी कैसे आ सकती है? एक कौम बने ना जी, जबरदस्त एक कौम बने, अपनी खुदी को पहचाने, अपने सिंधी बलोची पठान को छोड़ के, हिंदू मुस्लिम इन्हें छोड़ के, ईसाई को छोड़ के एक पाकिस्तानी बने। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम जिसने दुनिया के ऊपर हुकूमत की या कर रही है, जो कौमें वो अपनी जुबान के ऊपर कर रही हैं, ऐसे ही है। और हम कोई ऐसी मुझे मतलब के प्रोग्रेसिव कंट्री बता दें, कोई डेवलप कंट्री का नाम लें, आप रशिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, अमेरिका को देख लें, आप क्या से कहते हैं स्वीडन को देख लें, ये पोलिश जो हैं वो उनको देख लें आप, जैसे कि ये अगर इंडिया की बात हो रही है तो ये इंडिया की, अगर पंजाबी की बात करें, मैं भी पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी होंगे आई थिंक, ठीक है, लेकिन हम पंजाबी बोलते थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, ये जर्मन कहा जाता जर्मन है जर्मन या पोलैंड, मेरे दोस्त जो फैमिलीज के लोग हैं वो उस वक्त तक वहाँ पर उन्हें जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है जब तक उन्हें लैंग्वेज नहीं आती, ऐसे ही है। और आज तक इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने ये एक सुवो मोटो एक्शन लिया था और उस पर उन्होंने ये डिसाइड अपना ऑर्डर भी पास किया था कि जनाब इस मुल्क में जो राय वो होगी
वो लैंग्वेज वो इंग्लिश होगी, सॉरी उर्दू होगी, इंग्लिश नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी काफी लोगों ने बात की। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बहुत सी बातों से बहुत सारे मसाइल हैं सर, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये हमें जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, हम नहीं समझेंगे, तो ये हमारे लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी आज़ादी को, अपने जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर करम नवाजियां की हैं, उनको पहचानने की कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे पास बहुत से वसाइल मौजूद हैं, ऐसा हमें बचपन से बताते आए हैं, हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि हमने उन वसाइल का, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रॉपर यूज़ किया भी है या नहीं।